ऑफ लाइफ, जीवन का सत्य। ज्योतिष विद्या हमें ईश्वर द्वारा दिया गया वो अनमोल धन है जिसका प्रयोग अगर हम दायरे में अर्थात ईश्वर के दायरे में रहकर करते हैं तो ये हमें सभी समस्याओं और पापों से मुक्ति देता है। ज्योतिष आचार्य विनीता जी द्वारा तैयार किया गया ट्रुथ ऑफ लाइफ जीवन का वो सत्य है जो आपके जीवन में आईने का काम करेगी और आपके जीवन का सत्य बताएगी। ट्रुथ ऑफ लाइफ आपको बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। ट्रुथ ऑफ लाइफ आपको जिंदगी जीने का मार्गदर्शन देती है। ट्रुथ ऑफ लाइफ जिंदगी के अहम फैसलों में निर्णय लेने में आपकी मदद करती है। ट्रुथ ऑफ लाइफ आपके हर कदम में हिम्मत और विश्वास भरती है ताकि आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। जहां ट्रुथ ऑफ लाइफ आपके जीवन का सत्य बताती है वहीं सर्व कार्य सिद्धि यंत्र आपके आत्मविश्वास व ज्ञान में वृद्धि करता है। वर्तमान और अच्छे भविष्य के लिए सर्व कार्य सिद्धि यंत्र अपने उपासकों को बुद्धि, ज्ञान, आत्मविश्वास और सामान्य प्रगति का आशीर्वाद देता है। यदि आप अपने वर्तमान और भविष्य को अच्छा एवं दुखों से मुक्त बनाना चाहते हैं तो आज ही ट्रुथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य को अपनाएं। साथ ही इस जीवन पत्रिका के साथ आपको सर्व कार्य सिद्धि यंत्र बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है। ट्रुथ ऑफ लाइफ को अपनाएं और अपने जीवन को सरल एवं उज्जवल बनाएं। नमस्कार, मैं हूं नीतू शम्मी राठौर। आप सभी देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम ट्रुथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य। आज इसमें हम चर्चा करने वाले दर्शकों की हमारे आसपास जो लोग होते हैं, हमारे जो अननोन लोग होते हैं, उनको हम आखिर कैसे जान सकते हैं, उनके स्वभाव का पता हम कैसे लगा सकते हैं। तो इसका पता लगाया जा सकता है उनकी राशियों के द्वारा। इस पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी ज्योतिष आचार्य, न्यूमेरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट आचार्य विनीता जी। विनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नीतू जी, जय माता दी। जय माता दी। विनीता जी, हम छह राशियों पर पहले बात कर चुके हैं और आगे की छह राशियों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, आप भी अगर जानना चाहते हैं कि किस तरीके का आपके साथ जो पड़ोस में लोग रहते हैं उनका व्यवहार कैसा होगा, या फिर आपका बॉस है, आप चाहते हैं कि आप उनको इम्प्रेस करें, उनके बारे में जानकर उनको उनकी पसंद का कुछ गिफ्ट करें, तो आप हमारा एपिसोड जरूर देखिए। और मुझे उम्मीद है कि आप पेपर और जो पेन है वो लेकर बैठे होंगे ताकि आप सभी चीजें नोट डाउन कर सके। इसके अलावा अगर आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं विनीता जी से तो भी हमारे जो नंबर्स आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबर्स पर आप हमें फोन कर सकते हैं। तो चलिए आज चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं विनीता जी तुला राशि से। तो तुला राशि के जातक कैसा होता है उनका स्वभाव? तुला राशि शुक्र की राशि है और शुक्र के सभी गुण तुला राशि वाले जातकों में होते हैं। खूबसूरत होते हैं, साफ सफाई पसंद होते हैं अपने घर में। जैसे आप किसी के भी घर जाते हैं, जिन लोगों के आप घर देखते हैं बहुत ज्यादा साफ सुथरे होते हैं, ऐसे जातक कहीं ना कहीं शुक्र की राशि से ही संबंध करते हैं। या तो वृषभ राशि के हो सकते हैं या वो तुला राशि के हो सकते हैं। बहुत स्पष्टवादी होते हैं, दूसरों को समझते हैं, सौम्य होते हैं नेचर में। ऐसे लोग दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, दूसरे की सहायता करते हैं, अपने माता पिता और अपने मित्रों के लिए भी सहायक होते हैं। और अगर कहीं ना कहीं शुक्र खराब कंडीशन में हो या खराब दृष्ट हो या तुला राशि में कोई शुभ ग्रह ना बैठा हो तो जातक को सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, जातक की पाचन शक्ति कमजोर करता है। और यही कहीं अगर शुक्र का बुध के साथ कोई कॉम्बिनेशन हो जाए तो उसको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देता है। बिल्कुल, आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की, कैसा होता है वृश्चिक राशि के जातकों का स्वभाव। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आपका नाम? मेरा नाम शिल्पा है। जी शिल्पा जी, कहाँ से बात कर रही हैं? जलंधर से। जी जी, क्या जानना चाहती हैं आप? मैं जानना चाहती हूँ, मेरा कोई काम नहीं बनता और घर में कलेश रहती है। जी जी बिल्कुल, आप पूछ सकती हैं विनीता जी से। शिल्पा जी, जय माता दी। जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ बताइए शिल्पा जी अपनी। 23 मार्च। हाँ जी। 1900। हाँ जी। 89। 89 कितना होता है? 89। अच्छा, 89। टाइम ऑफ बर्थ बोलिए शिल्पा जी। शाम के हैं 5:35। 5:35 मिनट। हाँ जी। कहाँ का जन्म है आपका? पंजाब, लुधियाना।
लुधियाना। हाँ जी, क्या जानकारी चाहती हैं शिल्पा जी अपने बारे में? मैं जानना चाहती हूँ, मेरा कोई काम नहीं बनता और घर में कलेश रहती है। कुंभ लग्न की कुंडली है आपकी, कन्या राशि है, हस्त नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, राहु में राहु की महादशा, शुक्र की अंतरदशा और गुरु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। जैसा कि आपका जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है, ऐसे नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो अपनी जिंदगी में कभी कभी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखते हैं और यही उतार चढ़ाव उनको उनके चरित्र से भी कहीं ना कहीं डगमगा देते हैं। जो राहु की दशा चल रही है वो आपके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। राहु की दशा की वजह से ही आपके कोई भी काम नहीं बन पा रहे हैं। सबसे पहले तो राहु की दशा के लिए आप राहु के मंत्रों का जाप करवाइए। एक तीन धातु का कड़ा बनवा के अपने सीधे हाथ में पहनिए। ये दो उपाय करवाइए, डेफिनेटली आपके जीवन में बदलाव आएंगे और आपको जैसा महसूस होता है कि मेरा कोई भी काम नहीं बन पा रहा, आपके सभी काम बनेंगे। तो शिल्पा जी, ये उपाय आप कीजिए जो विनीता जी ने आपको बताए हैं और आपके जो काम है वो जरूर बनेंगे। दर्शकों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप लगातार कोशिशें करते हैं लेकिन आपके जो काम है वो नहीं बन पाते हैं, तमाम कोशिशों के बावजूद भी आपको आपके कार्यों में सफलता नहीं मिल पाती है, तो क्या कारण है आखिर उसके पीछे, कौन से वो उपाय आप कर सकते हैं ताकि आपके सभी काम बन सके? तो आपके सभी कामों को बनवाने के लिए और आपकी जिंदगी में जो तमाम अड़चने आ रही है उनको दूर करने के लिए ही है सर्व कार्य सिद्धि यंत्र। सर्व कार्य सिद्धि यंत्र जब आप अपने घर में लेकर आते हैं तो आपकी सभी प्रकार की समस्याएं जो आपके जीवन में आती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो विनीता जी, सर्व कार्य सिद्धि यंत्र किस तरीके से आखिर हमारी जिंदगी में शुभता लाता है? सर्व कार्य सिद्धि यंत्र जिंदगी में हर प्रकार से शुभता लाता है। अगर आप महसूस करते हैं कि जिंदगी में आपके कहीं ना कहीं काम नहीं बन रहे हैं या आपका मस्तिष्क हमेशा तनावग्रस्त रहता है या आप हमेशा महसूस करते हैं कि आपको किसी भी तरह की मानसिक शांति नहीं मिल रही है, आपके सारे काम बनते बनते रुक जाते हैं, 99% तक तो लगता है कि बन जाएगा बट कहीं ना कहीं 99 पे आके वो काम रुक जाता है। कहीं आपको विवाह में दिक्कत है, किसी को संतान पक्ष में परेशानी है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए सर्व कार्य सिद्धि यंत्र अपने आप में एक अचूक उपाय है। आप इसकी स्थापना अपने घर में कीजिए, आपके लिए सारे रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे। बिल्कुल, और सर्व कार्य सिद्धि यंत्र बिल्कुल आपको निःशुल्क दिया जाता है आपके ट्रूथ ऑफ लाइफ के साथ, आपका एक ऐसा सच्चा साथी जो कि हमेशा आपके जिंदगी में आपके साथ रहेगा। आपके मन में जो हमेशा एक दुविधा रहती है कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं, क्या ये हमारे लिए अच्छा होगा या नहीं, तो आपका ट्रूथ ऑफ लाइफ आपको रास्ता दिखाएगा कि क्या काम आपके लिए अच्छा है क्या नहीं, कौन से कर्म आपको करने हैं ताकि जिंदगी में आप सफलता हासिल कर सके। और इसे मंगवाने के लिए जो नंबर आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, इसको पर आप कॉल कर सकते हैं और घर बैठे ट्रूथ ऑफ लाइफ के साथ सर्व कार्य सिद्धि यंत्र मंगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर रहे थे कि हम राशि के हिसाब से कैसे मनुष्य के स्वभाव का पता लगा सकते हैं, तो अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। तो किस तरह के स्वभाव के मालिक होते हैं वृश्चिक राशि के जातक? वृश्चिक राशि मेष राशि की तरह ही मंगल की राशि है। वृश्चिक राशि के जातक मंगल का स्वभाव रखते हैं, मंगल जैसा स्वभाव होता है वृश्चिक राशि के जातकों का। वृश्चिक राशि के जातक जो होते हैं दृढ़ निश्चयी होते हैं, वो अपने पुरुषार्थ से उन्नति करने में ज्यादा अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, दूसरे पे डिपेंड होना नहीं चाहते हैं, जिस कार्य को भी पकड़ते हैं उस कार्य को बहुत अधिक मेहनत से करते हैं, परोपकारी होते हैं, दयालु होते हैं, दूसरे की मदद करना चाहते हैं। यही कहीं अगर वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल पीड़ित हो जाए तो हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं वृश्चिक राशि के जातकों के साथ। इनफैक्ट अगर मंगल ज्यादा पीड़ित हो जैसे कि शनि के साथ या सूर्य के साथ, तो अकाल मृत्यु के योग भी वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में कभी कभी बना देता है। बिल्कुल, तो वृश्चिक राशि के जातकों का स्वभाव और किस तरह की परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ सकती हैं ये आपने जाना। और अब बारी आती है धनु राशि की, तो धनु राशि के जो लोग होते हैं वो किस तरह के होते हैं आखिर? देखिए, धनु राशि जो है हमारी गुरु की राशि है, गुरु की राशि है तो गुरु जैसे गुण, देव गुरु बृहस्पति जैसे गुण लिए हुए होता है इंसान। धनु राशि जो है अग्नि तत्व राशि है, गुरु की दो राशियां होती हैं काल पुरुष की कुंडली में, एक होती है धनु राशि और एक होती है मीन राशि। हमारी जो धनु राशि है अग्नि तत्व राशि है, जातक को कहीं ना कहीं क्रोधी बनाती है, गुरु के गुण होने के साथ साथ भी उसमें कहीं ना कहीं क्रोध होता है। जातक बहुत दयालु होता है,
परोपकारी होता है, धर्म को अच्छे से मानने वाला होता है। गुरु की राशि है, ऐसे जातकों के मन में कभी किसी के प्रति बुरा नहीं आता। पशुओं की सेवा करना चाहते हैं ये लोग, इनफैक्ट पशुओं की सेवा करते हैं। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो सड़क पे बहुत सारे कुत्तों को इकट्ठा करके उनकी सेवा करना शुरू कर देते हैं, या गायें जो सड़क पे घूमती हैं उनकी सेवा करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे जातकों का संबंध गुरु से होता है, और यही कहीं अगर इनकी कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में बैठ जाए या गुरु स्वराशि का होकर बैठ जाए तो इन जातकों की एजुकेशन भी बहुत अच्छी होती है। माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनका नाम रोशन करते हैं अगर गुरु अच्छी स्थिति में हो तो। मुझे उम्मीद है कि तमाम दर्शक जो देख रहे हैं वो एनालाइज कहीं ना कहीं कर रहे होंगे कि उनकी राशि ये है तो हमारे स्वभाव जो बता रही हैं अभी विनीता जी वो मैच कर रहा है या नहीं, और बीमारियां हमें आखिर क्या क्या हो सकती हैं ताकि हम जल्द से जल्दी प्रिकॉशंस ले सके। तो जो भी आप पूछना चाहते हैं अपनी राशि के बारे में कि आगे क्या हो सकता है आपकी राशि के हिसाब से आपके जीवन में, या फिर अपनी कुंडली आप दिखा कर जानना चाहते हैं कि आपकी आने वाली जिंदगी कैसी रहने वाली है, तो नंबर्स आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। 24 घंटे में भी जब भी आपका मन हो आप फोन उठाइए और हमें फोन कीजिए, और जो भी आपका प्रश्न है उसका जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, स्वागत है आपका। आपका नाम? मेरा नाम हिमांशु है जी। हिमांशु जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जयपुर से बोल रहा हूँ जी। क्या जानना चाहते हैं? मुझे एक्चुअली आचार्य जी से पूछना था मैडम से कि मेरे ना मतलब पैसे रुकते नहीं हैं, आते तो हैं, आमदनी अच्छी होती है लेकिन टिकते नहीं है हाथ में, जल्दी खर्च हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं। तो ये किस वजह से होता है मुझे जानना था एक्चुअली, ये क्या ऐसा होता है कि मतलब पैसा आमदनी अच्छी है, कारोबार अच्छा है, सब कुछ ठीक है? जी बिल्कुल हिमांशु जी, आपके हर प्रश्न का जवाब आपको विनीता जी अवश्य देंगी। हाँ जी हिमांशु जी, जय माता दी। जय माता दी जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। सॉरी मेरे पास अपनी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपकी समस्या है फाइनेंस को लेके, आपकी अर्निंग अच्छी है बट पैसा आपके हाथ में टिकता नहीं है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में आपका शुक्र ग्रह हो सकता है अच्छी स्थिति में ना हो, शुभ दृष्टि ना हो, हो सकता है पीड़ित हो। इसके लिए मैं आपको सिर्फ 2 उपाय शुक्र से ही संबंधित बताना चाहूंगी। ये उपाय कीजिए, डेफिनेटली आपका फाइनेंस आपके हाथ में रुकेगा, आपके घर में बरकत आएगी। हर शुक्रवार के दिन सफेद चीज का दान कीजिए। सफेद चीज में आप चावल, मिश्री, दूध, इन चीजों का दान कर सकते हैं। और हर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए। भगवान ने चाहा तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे जरूर होगी और आपके धन में बरकत होगी। तो विनीता जी, जिस तरह से अभी हिमांशु जी का कॉल आया था और वो उनके पास उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं था, और ऐसे बहुत से लोग मुझे उम्मीद है जो कि होंगे उनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होगा, तो क्या वो लोग भी ट्रूथ ऑफ लाइफ मंगवा सकते हैं? क्या वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं? बिल्कुल नीतू जी, वो लोग ट्रूथ ऑफ लाइफ मंगवा सकते हैं, इनफैक्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ का पूरा लाभ भी उठा सकते हैं। जिन लोगों का जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान नहीं मालूम है वो अपनी करंट प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, जिस समस्या से वो गुजर रहे हैं वो सारा डिस्कस कर सकते हैं। उन बेसिस पे उनके परिवार के सदस्यों की डिटेल के अनुसार उनकी ट्रुथ ऑफ लाइफ बनाई जाएगी, साथ में ही उनको सर्व कार्य सिद्धि यंत्र भी भेजा जाएगा जिससे उनकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। तो आप बेझिझक ट्रूथ ऑफ लाइफ के लिए ऑर्डर कर सकते हैं जिनकी भी डिटेल्स नहीं है। बिल्कुल, आप परेशान ना हो, जो कि लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो वो ज्योतिष विद्या का फायदा नहीं उठा सकते, वो ज्योतिष विद्या की शरण में नहीं आ सकते दर्शकों, क्योंकि ज्योतिष विद्या बहुत महान है। ऐसा नहीं है कि उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, आप जो सोच भी नहीं सकते वैसे वैसे उपाय भी आपको ज्योतिष विद्या में मिलते हैं और आपकी समस्त प्रकार की परेशानियों का समाधान आपको मिलता है। तो आप बेझिझक, अगर आपकी बर्थ डिटेल्स आपके पास नहीं है तो भी आप हमें कॉल कीजिए, जो कि नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और आप बताइए जो भी आपकी समस्या है आपके परिवार वालों के बारे में, और उसके हिसाब से आपका ट्रूथ ऑफ लाइफ बनाकर आपको दिया जाएगा और उसके साथ मिलेगा आपको सर्व कार्य सिद्धि यंत्र। चलिए फिलहाल वक्त यहाँ पर ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आगे चर्चा करेंगे बाकी राशियों की। ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का सत्य। कौन सा व्यापार या नौकरी होगी आपके लिए लाभकारी? क्या कर्ज और व्यापार के नुकसान से हो रहे हैं परेशान? क्या विवाह या गृहस्थ जीवन में आ रही हैं अड़चने? कहीं वास्तु दोष आपके घर और व्यापार में दिक्कत तो नहीं दे रहा? अगर ऐसे ही कई मिलते जुलते सवाल आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, तो आज ही जानिए अपनी परेशानियों का
सही समाधान। विश्व विख्यात ज्योतिष आचार्य वास्तु एक्सपर्ट विनीता जी से, जिनके सरल उपायों से लाखों लोग खुशहाल एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि आप ज्योतिष आचार्य विनीता जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य बनवाना चाहते हैं, या अपनी जीवन पत्रिका दिखाना चाहते हैं, या फोन पर ज्योतिष आचार्य विनीता जी से परामर्श लेना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 09643222802, 09643222803, 9212621221, 9212721221। आप ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है astrospirit07@gmail.com, info@astrospirit.net। हमारी वेबसाइट है www.astrospirit.net। हमारा पता है C9/14 फर्स्ट फ्लोर अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 399, रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली 110085। ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का सत्य। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कि राशियों के हिसाब से आप ये पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति का स्वभाव आखिर कैसा होगा। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। तो विनीता जी, मकर राशि के लोग किस तरह के होते हैं? मकर राशि शनि की राशि है, कहीं ना कहीं शनि के थोड़े से गुण तो मकर राशि में जरूरी होंगे। कहीं ना कहीं थोड़े से डरपोक होते हैं मकर राशि के लोग, मितवई होते हैं, खर्चा अधिक करते हैं, समझदार होते हैं, जो कार्य कर रहे होते हैं उस कार्य के प्रति बहुत सजग और सचेत रहते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, कटु वचन बोलने वाले होते हैं। जहाँ तक कि बच्चों का उनके केस में सवाल है, बच्चे उनके कम ही होते हैं, पुत्र संतति जरूर होती है उनके पास, एक पुत्र संतति का योग जरूर होता है। दूसरों की मदद करते हैं और स्वभाव से अच्छे होते हैं, कभी भी किसी को जरूरत पड़े तो उसके कार्य में आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल, तो अगर आप मदद की उम्मीद करते हैं किसी लोगों से, तो वो मकर राशि के लोग हो सकते हैं, जो कि आपकी मदद करने को हमेशा तत्पर रह सकते हैं। बिल्कुल। और अब आगे बात करेंगे कुंभ राशि के लोगों की कि आखिर उनका स्वभाव कैसा होता है, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका, आपका नाम? हेलो जी। हेलो जी, मेरा नाम प्रमोद सिंह है। जी प्रमोद जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या जानकारी चाहते हैं आप? मैं अपने जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ। प्रमोद जी, जय माता दी। जय माता दी मैम। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। 11 अक्टूबर। हाँ जी। 1985। हाँ जी। टाइम ऑफ बर्थ? 4:10 AM। प्लेस ऑफ बर्थ बताइए अपना। हरियाणा, करनाल। करनाल, हरियाणा। क्या जानकारी चाहते हैं प्रमोद जी? एक तो मेरे को ये जानना कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, मैंने टेस्ट दे रखा है। हाँ जी। और एक विदेश यात्रा का बताना, मैं सोच रहा था विदेश जाने के लिए कुछ सेटल हो जाऊं वहाँ पे। या तो देखिए प्रमोद जी, सिंह लगन की कुंडली है आपकी, सिंह ही राशि है, मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म हुआ है। चंद्र की महादशा, राहु की अंतरदशा, राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। मघा नक्षत्र में पैदा हुए जातक स्वाभिमानी होते हैं, गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा तो नहीं होता, बट कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल कर लेते हैं। जैसा कि आपकी सिंह राशि चल रही है, मेष और सिंह राशि में समय शनि की ढैया चल रही है, कहीं ना कहीं इस वजह से भी आपके कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहे। जहाँ तक कि सरकारी जॉब का प्रश्न है, आप जॉब की बजाय, जॉब के लिए प्रयत्न तो कर सकते हैं, बट अगर आप नौकरी की बजाय व्यवसाय को प्रेफर करें तो वो आपके लिए अति उत्तम होगा। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं दर्शकों, इन नंबर्स पर आप जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहें 24 घंटे में कभी भी कॉल करके हमें वो जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और अब जो सभी लोग कुंभ राशि के होंगे वो बेशक इंतजार कर रहे होंगे, तो विनीता जी, कुंभ राशि के लोगों का व्यवहार कैसा होता है? मकर राशि की भांति कुंभ राशि भी, कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव ही हैं, बट कुंभ राशि शनि देव की, शनि की मूल त्रिकोण राशि है। कुंभ राशि का जो फल है वो मकर राशि से कहीं ना कहीं भिन्न है। जो कुंभ राशि के जातक होते हैं वो तर्क वितर्क करने में सक्षम होते हैं, चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनका इंटरेस्ट संगीत में, अभिनय में, कला में, इन चीजों में उनकी रुचि होती है।
अपने टारगेट का ध्यान रखते हैं, उसको अचीव करने के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं। जो कुंभ राशि के जातक होते हैं, कई बार गुस्से में जब बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है तो लोगों को स्पष्ट तरीके से कटु वचन बोल देते हैं जो कई बार उनके लिए हानिकारक होते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों को एक ये भी सलाह दी जाती है कि अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें, क्योंकि कुंभ राशि के जो जातक होते हैं बहुत चतुर, बुद्धिमान, समझदार और अच्छी नेचर के होते हैं। तो बिल्कुल कुंभ राशि के जो लोग हैं, प्लीज आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। अब बारी आती है हमारी 12वीं और आखिरी राशि की, यानी कि मीन राशि। तो मीन राशि के लोगों का स्वभाव कैसा होता है? मीन राशि भी धनु राशि की भांति गुरु की ही राशि है। जो मीन राशि के लोग होते हैं बहुत परिश्रमी होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, विकासशील होते हैं, अपने कार्य के प्रति बहुत सजग और सचेत होते हैं, अपने कार्य को करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करने वाले होते हैं। जो मीन राशि के जातक होते हैं उनके बहुत अधिक मित्र बनते हैं, अपने परिवार के प्रति उनका विशेष प्रकार का लगाव होता है, अपने भाई बहनों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति मीन राशि के जो जातक होते हैं बहुत ज़्यादा ईमानदार, उनके लिए केयरिंग होते हैं, दूसरों का कभी नुकसान नहीं करते, अपने ही कार्य में बिजी रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर अब आप सभी जान चुके हैं कि 12 राशियों के जो लोग होते हैं किस तरह का उनका स्वभाव होता है। मुझे उम्मीद है कि सभी डिटेल्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, लेकिन किसी कारणवश अगर कुछ आपसे छूट गया है तो बिल्कुल आप घबराइए मत। आप देख रहे हैं जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ये नंबर्स आप सभी की सुविधा के लिए ही हैं। इन नंबर्स पर आप फोन कीजिए और जो भी आप जानना चाहें किसी भी राशि के बारे में आप जान सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर, जी स्वागत है आपका। आपका नाम? हेलो, कुलदीप बात कर रहा हूँ मैं। जी कुलदीप जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं धुलिया महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी जी जी, तो क्या जानना चाहते हैं आप? मैं अपने कैरियर और फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आप जान सकते हैं, आप बात कर सकते हैं विनीता जी से। कुलदीप जी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी मैम। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी। हाँ जी। 1971। हाँ जी। धुलिया महाराष्ट्र। मैम मेरे को जानना था, टाइम ऑफ बर्थ नहीं बताया कुलदीप जी आपने। टाइम ऑफ बर्थ मैम मेरा 1:30 बजे। कब का? सुबह का या हाँ शाम का? हाँ जी सुबह। सुबह का मतलब 1 तारीख की रात और 2 तारीख की सुबह। हाँ जी। आप अपने करियर और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, क्या जानना चाहते हैं? मैं अपने करियर और फ्यूचर के बारे में कि मैं अपने आगे जाके क्या फ्यूचर में बिजनेस करूं, क्या जॉब करूं, और मैं अगर रत्न कोई धारण करना चाहूं तो क्या रत्न मैं धारण कर सकता हूं। और एक बात और मैम, कि अब मेरी कुंडली में कोई दोष है उसका भी आप प्लीज मेरे को बताइएगा। तुला लगन की कुंडली है आपकी कुलदीप जी, मेष राशि है, अश्विनी नक्षत्र के 3रे चरण में आपका जन्म हुआ है, मंगल की महादशा, शनि की अंतरदशा, बुध की प्रत्यंतरदशा चल रही है। व्यवहार में आप लोग, जिस किस्म की आपका नक्षत्र है व्यवहार में आप लोग अच्छे होते हैं, दूसरे की मदद करते हैं। जहाँ तक कि अब आपके करियर का सवाल हुआ, आपकी कुंडली का दशमेश चंद्रमा आपके सप्तम भाव में बैठा है। कोई भी कार्य करने से पहले अपनी पत्नी से सलाह लीजिए, क्योंकि आपके कार्य और व्यवसाय का जो स्वामी है वो आपके पत्नी स्थान पे बैठा है। जहाँ तक कि आपने रतन का पूछा, रतन के लिए आप अपने पंचमेश आपका शनि है, चतुर्थेश और पंचमेश होके आपका शनि सप्तम भाव में बैठा है, उसके लिए आप 1.75 रत्ती का नीलम अपने सीधे हाथ की मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं। मैम ये सीधे हाथ की मिडिल फिंगर में कोई से भी डे पहन सकते हैं? नहीं, इस रतन को जब भी पहनना हो शनिवार के दिन पहनिएगा, किन्हीं अच्छे पंडित जी से पहनने का समय पूछिएगा और समय शाम का होना चाहिए। तो बिल्कुल दर्शकों, यहाँ पर लगातार विनीता जी आप सभी की समस्याओं का समाधान कर रही हैं, लेकिन बहुत से दर्शक हमें कॉल कर रहे होंगे प्रोग्राम के दौरान और उनका कॉल नहीं लग पा रहा होगा, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि हमारे जो नंबर्स हैं 2400 घंटे आप सभी के लिए खुले हुए हैं, यानी कि कभी भी आप हमें कॉल करके हम आपकी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और अब बात करेंगे उस विशेष जन पत्रिका की, यानी कि ट्रूथ ऑफ लाइफ की, जो कि आपकी जिंदगी को बदल सकती है। तो कैसे ट्रूथ ऑफ लाइफ आप सभी के जीवन में महत्वपूर्ण है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो विनीता जी, क्यों महत्वपूर्ण है ट्रूथ ऑफ लाइफ मेरे लिए या फिर जो तमाम दर्शक हैं उनके लिए? देखिए, आज का जो टाइम चल रहा है नीतू जी, समय शायद किसी के भी पास नहीं है।
हर बंदा जिंदगी में किसी को पैसे कमाने की होड़ है तो किसी को सिर्फ जिंदगी में सर्वाइव करने की होड़ है। हर इंसान कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता है, अपने सर्वाइव के लिए फाइट करता है, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, बट जब बहुत ज्यादा परेशानियां हो जाती हैं तो हर एक इंसान एक सटीक समाधान चाहता है, एक ऐसा समाधान चाहता है जिससे वो सभी परेशानियों से बाहर आ सके। तो ट्रुथ ऑफ लाइफ, जीवन का सत्य, जैसे कि ये अपना नाम ही सार्थक कर रही है, ये किताब आपको आपके जीवन की सभी समस्याओं से, सभी परेशानियों से बाहर लेके आएगी। चाहे आप कितने भी व्यस्त हैं तो भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय निकाल के इस किताब के उपाय कीजिए, अपनी सभी परेशानियों का समाधान लीजिए, अपने आने वाले भविष्य में, अपने आने वाले समय में अपना सही मार्ग देखिए, क्योंकि ये आपके लिए मार्ग प्रदर्शक है। ये आपको सही मार्ग बताएगी, ये आपको ये बताएगी कि जो आप चुनाव कर रहे हैं अपनी जिंदगी में क्या वो सही है, क्या जो बच्चे पढ़ने वाले हैं जो वो सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं अपने लिए क्या वो सही है। ऐसा तो नहीं कि आज कॉमर्स लेंगे और 6 महीने बाद कहेंगे कि नहीं नहीं हम कॉमर्स नहीं करना चाहते, हम तो आर्ट्स करना चाहते हैं। तो इन सब चीजों में ऐसे जो निर्णय जो हम समय के बाद बदल लेते हैं, ये उन निर्णयों में आपको सही निर्णय का चुनाव करवाएगी। ऐसा निर्णय चुनिए जिसे आप जिंदगी भर अपने साथ लेके चल सके, ये आपको एक सत्य का मार्ग दिखाएगी। और अब दर्शकों, वक्त आ गया है आज के खास उपाय का। तो विनीता जी, आज का खास उपाय क्या है? नीतू जी, आज का खास उपाय सच में बहुत खास है। ये उपाय उन सभी लोगों के लिए है जो ऑफिस में काम करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि जो उनके साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो उनके मित्र हैं, चाहे वो उनसे जूनियर्स हैं या चाहे वो उनसे सीनियर्स हैं, कहीं ना कहीं उन्हें चीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें धोखा दे रहे हैं। ये उपाय उन सभी लोगों के लिए, क्योंकि वो उन लोगों को उनकी फेवर के लिए टर्न करेगा ये उपाय। आप ऐसा कीजिए, पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी के दिन खीर बनाइए और खीर बना के रात को चंद्रमा की रोशनी में रखिए। उस खीर को सुबह ऑफिस ले जाइए, जहाँ भी आप वर्किंग में हैं, और जिस कुलीग से आपके मन में आता है कि ये मुझे चीट कर रहा है या मुझे धोखा दे रहा है, वो खीर उस कुलीग के साथ शेयर कीजिए। डेफिनेटली वो इंसान आपको जिंदगी में फिर दोबारा धोखा नहीं देगा। बिल्कुल, और अक्सर होता ही ऐसा है, ये दुनिया ही ऐसी बदल रही है कि लोग आपकी खुशी देखकर खुश नहीं होते हैं, जब आप दुखी होते हैं तो उन्हें ज्यादा खुशी होती है। तो ऐसे लोगों से सावधान आप रहिए, और जो उपाय बताया है आपको विनीता जी ने, वो उपाय आप कीजिए और देखिए किस तरह से वो लोग भी आपके फेवर में हो जाते हैं। विनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए, जानकारी देने के लिए। जय माता दी। नीतू जी, जय माता दी। चलिए, इसी के साथ दर्शकों, मैं चाहूंगी आप सभी से इजाजत, और जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूंगी कि दुख आते जाते रहते हैं। दुखों को लेकर आप ये ना कहें कि भगवान आपने हमारे भाग्य में क्या लिख दिया है, क्या हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। जी नहीं, कर्म कीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। कोशिश आपको ही करनी होती है अपने भाग्य को बदलने की, तो कोशिश कीजिए, आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और जानिए कैसे आखिर ज्योतिष विद्या के माध्यम से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। जो भी परेशानी है आपकी जिंदगी में, उसका उपाय हम आपको देंगे। 24 घंटे ये हमारी हेल्पलाइन खुली हुई है आप सभी के लिए। और एक और खास बात, आप इन नंबर्स पर कॉल करके आपका ट्रूथ ऑफ लाइफ ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके साथ आपको सर्व कार्य सिद्धि यंत्र, जिसकी महत्वता पर हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। जाते जाते बस इतना ही कहूंगी कि आप ज्योतिष की शरण में आइए, आप कर्म कीजिए और अपने दुखों को पीछे छोड़िए और जीवन को सुखी सुखी जिए। नमस्कार। जय माता दी। कौन सा व्यापार या नौकरी होगी आपके लिए लाभकारी? क्या कर्ज और व्यापार के नुकसान से हो रहे हैं परेशान? क्या विवाह या गृहस्थ जीवन में आ रही है अड़चने? कहीं वास्तु दोष आपके घर और व्यापार में दिक्कत तो नहीं दे रहा? अगर ऐसे ही कई मिलते जुलते सवाल आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, तो आज ही जानिए अपनी परेशानियों का सही समाधान। विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य वास्तु एक्सपर्ट विनीता जी से, जिनके सरल उपायों से लाखों लोग खुशहाल एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि आप ज्योतिषाचार्य विनीता जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का सत्य बनवाना चाहते हैं, या अपनी जीवन पत्रिका दिखाना चाहते हैं, या फोन पर ज्योतिषाचार्य विनीता जी से परामर्श लेना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 09643222802, 09643222803।
9212621221 9212721221। आप ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है astrospirit07@gmail.com info@astrospirit.net। हमारी वेबसाइट है www.astrospirit.net। हमारा पता है C9/14 फर्स्ट फ्लोर अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 399 रोहिणी सेक्टर 7 दिल्ली 110085। ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का सत्य।